दरअसल शुरू कैसे करना है ये सभी के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस होता है। शुरू कहां से करें, दैट्स अ क्वेश्चन एंड इट इरिटेट्स सेवरल पीपल। सवाल ये उठता है कि हमें अंग्रेजी बोलना है पर शुरुआत कहां से करें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं शुरुआत हमेशा जीरो से ही होता है। चाहे आप जो भी करो, स्टेप बाय स्टेप ए बी सी डी शुरुआत यहीं से करनी है। तो चलो हम एक बड़ी खूबसूरत से अंदाज में आपकी शुरुआत कराते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव की जाए, एक दूसरे से हमारी कन्वर्सेशन कैसी होनी चाहिए और शुरुआत कैसी हो, प्रैक्टिस कैसी हो। मैं बिल्कुल प्रैक्टिस सेट पे लेके चलूंगा आपको और बताऊंगा कि पहले दिन की क्लास में आपको प्रैक्टिस कैसे करना है और अपने स्पीकिंग को इंप्रूव कैसे करना है। सो वेल, आर यू रेडी? आई थिंक अरे तैयार होना आप। तो चलो मैं शुरू करता हूं कि आप पहले दिन की क्लास में प्रैक्टिस कैसे करेंगे। सो मोर ऑफन, चाहे आप जो भी कहें, कुछ तो ऐसे फॉर्मेट होंगे जिससे आपको लर्न करना पड़ेगा, जिसे आपको खुद ही क्रैम करना पड़ेगा। भाई शुरुआत तो ऐसी ही होनी है, चाहे आप जो भी करो पर शुरुआत में हमें कुछ तो अपने पास से तैयार रखना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूं बोर्ड पे बड़ी साफ साफ तरीके से कि आप कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू, दो की कंपनी चाहिए आपको, दो आदमी आमने सामने रह के बात करेगा और एक की शुरुआत होगी हेलो, एक आदमी बोलेगा हेलो आई एम नियाजुद्दीन, हेलो आई एम नियाजुद्दीन, तो उसका रिस्पांस दूसरा वाला बंदा देगा हाय आई एम, और वो अपना नाम बता देगा। तो आपने क्या करी, हेलो आई एम नियाजुद्दीन, तो दूसरा बंदा बोलेगा हाय आई एम, और वो अपना नाम बताएगा। तो हेलो और हाय एक तरह का अभिवादन है, ग्रीटिंग है, नमस्कार है, ऐसे आपकी शुरुआत करनी होगी। तो मैंने पहले दो चीजें आपको बता दी कि आपने क्या करनी है, हेलो आई एम नियाजुद्दीन, तो दूसरा बंदा बोलेगा हाय आई एम, और वो अपना नाम बता देगा। अब इसके बाद से दूसरा काम क्या करना है, हेलो आई हो गई, नाम की इनिशिएशन हो गई, तो आप क्या बोलेंगे, हाउ आर यू, बड़ी सिंपल सा, बड़ी कॉमन सा चीज, एवरीबॉडी नोज। तो आपने क्या बोलना है, हाउ आर यू, तो सामने वाला बंदा बोलेगा फाइन थैंक यू, फाइन थैंक यू। पहले बंदे ने क्या बोली, हाउ आर यू, आप कैसे हैं भाई, अगर हमारी मुलाकात हुई है, सलाम दुआ हुई है, तो अब हालचाल भी होनी है। तो आपने क्या बोला, हाउ आर यू, तो वो बंदा बोलेगा फाइन फाइन थैंक यू फाइन। तो आप इसके कई सारे जवाब हैं, आप बोल सकते हैं फाइन आई एम फाइन, आई एम ऑल्सो वेल, वेरी गुड, कई सारे चीज हैं, पर कोई एक से शुरुआत करें। तो आपने क्या बोला, फाइन थैंक यू, एंड यू, भाई मैं ठीक हूं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी बताओ आप कैसे हो। वो बंदा भी सेम ऐसे ही रिस्पांस करेगा, आई एम ऑल्सो वेल, आई एम ऑल्सो वेल, मैं भी ठीक हूं, आई एम ऑल्सो वेल। अब इसके बाद से चूंकि इनिशिएशन छोटी है और पहले दिन का क्लास है, तो बहुत सारी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि हम एक साथ में प्रैक्टिस कर सकें। तो चूंकि इनिशिएशन है, शुरुआत है और जीरो लेवल से शुरुआत होनी है, तो हम लोग थोड़ा सा बोलेंगे। तो इसके बाद से अब एक बंदा क्या बोलेगा, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, क्या बोलेगा, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, कृपया करके मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। शुरुआत यहीं से होनी है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग का जो सबसे अहम हिस्सा होता है वो यही है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में बताओ। यानी कि बंदा अगर अंग्रेजी में अपनी इंट्रोडक्शन दे लेता है तो समझ लो उसे अंग्रेजी आ गई। अंग्रेजी की शुरुआत की सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे सके। तो आपने क्या बोला, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो अब सामने वाला बंदा क्या बोलेगा, वेल वेल, और अब अपने इंट्रोडक्शन देना शुरू करेगा। तो अपने इंट्रोडक्शन में क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले आप कौन है, आपका नाम क्या है, अपने पेरेंट्स को भी जोड़ सकते हैं, आप रहते कहां हैं ये बता सकते हैं, आप बनना क्या चाहते हैं ये बता सकते हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है ये बता सकते हैं, और आपकी हॉबी क्या है ये बता करके फिनिश कर सकते हैं। तो आपने क्या बोला, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ,
कृपया करके मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। तो सामने वाला बंदा क्या बोला, वेल आई एम स्टूडेंट, माई नेम इज नियाजुद्दीन, और चूंकि मैंने अभी इनिशिएट करी है कि आप अपना नाम बता सकते हैं, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड बता सकते हैं, अपने पेरेंट्स का नाम बता सकते हैं, आप रहते कहाँ हैं ये बता सकते हैं, आपकी हॉबी क्या है, आप बनना क्या चाहते हैं, इन सब लाइन को एक एक करके लिख डालिए और उसके बाद से बोल के प्रैक्टिस करें। अच्छा, जैसे ही आपने अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को खत्म करी है, अब आप क्या बोलेंगे, एंड व्हाट अबाउट यू, क्योंकि मैंने अपनी बता दी, अब आप अपनी बता दो भाई, एंड व्हाट अबाउट यू, और आप अपनी बता दीजिए, तो वो बंदा क्या बोलेगा, वेल, और वो भी ऐसे ही शुरुआत करेगा वेल, और इसके बाद से जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन दिया था वैसे वो बंदा भी अपना इंट्रोडक्शन दे देगा। तो ये रही फिलहाल फर्स्ट डे की प्रैक्टिस, जिसे आपको अपने एक फ्रेंड के साथ करनी होगी। तो चूंकि स्पीकिंग की प्रैक्टिस है, सो वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, नाइदर रीडिंग ना राइटिंग कैन मेक यू स्पीक, ना पढ़ने से बोलना आएगा ना लिखने से बोलना आएगा, स्पीकिंग अलोन विल मेक यू स्पीक। जब तक स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आ सकता। अगर हमें क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेट पिच पर उतरना पड़ेगा, हम बाथरूम में, बेडरूम में, किचन में क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। एग्जैक्टली इन द सेम वे नाउ इफ यू वॉन्ट टू मेक प्रैक्टिस, एटलीस्ट दिस ओनली विल मेक यू एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो अंग्रेजी बोलने का मजा सिर्फ और सिर्फ तब जब आमने सामने आपकी प्रैक्टिस होगी, तभी आपको अंग्रेजी आ सकती है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।